फ्रेंड्स, वेलकम टू कुमकुम किचन्स। आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है कद्दू की सब्जी। यह सब्जी झटपट तैयार हो जाती है, बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। यदि आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए होगा, मैंने यहाँ 500 ग्राम कद्दू लिया है कटा हुआ, नमक आवश्यकता अनुसार, तेल आवश्यकता अनुसार, हल्दी, एक बड़े नींबू का रस, यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्च कटी हुई ली है, मैंने यहाँ कड़ी पत्ते 8 से 10 लिए हैं, फाइन चॉप हरा धनिया लिया है, जीरा जीरा लिया है मैंने यहाँ पर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर, सम चिली फ्लेक्स, हींग और राइम। तो चलिए फटाफट बनाते हैं कद्दू की सब्जी। हमने गैस को स्टार्ट कर लिया है, इस पर हम कढ़ाई रख देते हैं। चलिए मैंने यहाँ 2 चम्मच तेल डाल दिया है, तेल को हम गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इस पर हम राई और जीरा डाल देते हैं, 1 पिंच हींग डाल देंगे, हमारा जीरा और राई अच्छे से क्रैकल हो गए हैं, इसमें हम हरी मिर्च डाल देते हैं। हरी मिर्च हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, मैं हरी मिर्च डाल दिए हैं, मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल दूंगी। कड़ी पत्ता अच्छे से भून गया है, इसमें हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे। चिली फ्लेक्स को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। अब हम इसमें जो कद्दू हमने धोकर काट लिया था डाल देंगे। सब्जी को मक्खे से मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और नमक ऐड कर देंगे। नमक आप स्वाद अनुसार ले लीजिए। इन्हें पानी की आवश्यकता नहीं होती, खुद ही पानी छोड़ता है। अब इसे हम ढककर 2 से 5 मिनट पकने देंगे। चलिए देखते हैं। कद्दू को चला लेंगे, कद्दू हमारा पकना शुरू हो गया है, इसे थोड़ा और पकने देंगे। इसे ढककर कुछ देर और पकने देंगे, देखते हैं। कद्दू हमारा लगभग पक चुका है, इसे हम इस तरीके से चम्मच से तोड़कर देख लेंगे। जी हाँ, देखिए कद्दू बिल्कुल पक चुका है, इसे हमें अधिक नहीं पकाना है। इसमें हम गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया डाल देते हैं, इसे अच्छे से चला लेंगे। इसमें अब हम लेमन जूस डाल देते हैं।
हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। हमारी कद्दू की सब्जी तैयार है, चलिए इसे सर्व करते हैं। लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।